अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वैकेंसीज़, लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस में आई हुई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। लेट यू कैन सी, यहाँ पे आपने क्रोम में सबसे पहले आपने फेडरल पब्लिक सर्विस आपने ओपन करनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC जॉब्स कंसोलिडेट डेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/20। आप यहाँ पे केस नंबर भी एडवर्टाइज, एज यू कैन से ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे ऐड करके आप गूगल से ये वैकेंसीज ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, ये आप नोट कर सकते हैं और ये आप लिख के गूगल में जाके आप ये लिख के आप ये डायरेक्ट वैकेंसीज ले सकते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC जॉब्स कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020। यहाँ पे ये ईमेल है, ये जो भी डाटा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा यानी कि प्रॉपर वे स्टार्ट हो रहा है। ये आपका इस्लामाबाद वेंसडे द 3rd June 2020 कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर, यू कैन सी हियर अटेंडिंग कैंडिडेट्स मे अप्लाई ऑनलाइन अप टू 22, यानी कि ये 22 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी फॉलोइंग वैकेंसीज जो हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं केस नंबर F4-33/2020, ये इसका केस नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हैं BS-16 परमानेंट एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरिएट एविएशन डिवीजन। ये मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है इनकी जो है आपकी बैचलर डिग्री है और फिज़िकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ये आप देख सकते हैं डेफिनेटली वो होना चाहिए। मिनिमम हाइट ये 5'2" जी और अपना 157 सेंटीमीटर इसकी जो अपना हाइट है जी। यहाँ पे मिनिमम वेट आपका जो होगा 45 kg होगा और या फिर 99.2 लैब्स, एज लिमिटेड 20 से 28 साल। ये मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं डोमिसाइल क्वेटा होगा खैबर पख्तूनख्वा पेमेंट कोटा और इसमें यानी कि आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैं जो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा मैं लूँ या वेस्ट करूं, तो मैं जो मेन चीज़ें हैं वो उसको मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपके सामने यानी कि इसको क्लियर करना चाहूँगा। तो इंशाल्लाह आप इसको चेक कर सकते हैं और अगर अप्लाई करना चाहें तो वो भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। चलान फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करने है, कैसे करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ये सेकेंड इंजीनियर की है, सेकेंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर PCBRF। यहाँ पे ये 18 स्केल में ये जॉब है, परमानेंट है और नावल हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है, इसमें एज लिमिट जो आपकी है ये आपकी है जनाब 25 से 35 तक, ये आप कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल। आप ये 18 स्केल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, आप अप्लाई यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप ये केस नंबर नोट कर लें, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, मेल BS-17 जी। ये परमानेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल है और इंस्टीट्यूशंस कैंट्स है, कैंट्स रीजन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास आर ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री आपके पास है
यानी कि थर्ड ग्रेड में, एज यू कैन सी हेयर, सी ग्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, एज लिमिट जहाँ पे 22 बाय 30, 22 से 30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 73 हैं जी, बहुत ज़्यादा ये वैकेंसीज हैं और बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। डोमिसाइल क्वेटा का है, मेरिट 6 और पंजाब पंजाब डेफिनेटली यानी कि 36 है, ओपन मेरिट 35 एंड मिनॉरिटीज नॉन मुस्लिम क्वेटा 1। सिंध रूरल जी आप सारे यानी कि कंप्लीट डिटेल ये आप देख सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं सीनियर रजिस्ट्रार, ये केस नंबर आप नोट कर सकते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार है ये 18 स्केल में या 18वें स्केल में, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो आप इस पे देखते हैं ये क्या है, टेम्परेरी फेडरल गवर्नमेंट जी, पॉलीक्लिनिक मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस MBBS जी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC जी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज रजिस्ट्रार इन एनी गवर्नमेंट आर सेमी गवर्नमेंट ऑफ आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इन्होंने ये एक्सपीरियंस भी लिया है, डेफिनेटली थ्री ईयर्स हैं जो कि आप देख चुके हैं। कैटेगरीज क्या हैं जी, ये गायनी की है, ऑब्स्टेट 1 और मेडिसिन 1, उसके बाद PAEDS 1 एंड जनरल सिक्योरिटी, एज लिमिट 25 to 35 जी। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर BS 17 की, 17 की ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है जी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टेम्परेरी है, लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवेज, रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC जी। मैक्सिमम एज इसके लिए 28 ईयर्स प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। इन अपर एज लिमिट नंबर ऑफ वैकेंसीज 24, डोमिसाइल क्वेटा मेरिट 2 और पंजाब 12, पंजाब में 12 वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि ओपन मेरिट पे हैं, 10 एंड वेमन क्वेटा 2, सिंध 2। ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो हमारे रेलिवेंट होता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप अगर देखना चाहते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये केस नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये है जी हमारे पास प्रिवेंटिव ऑफिसर, 16 ग्रेड में है, ये परमानेंट है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेवेन्यू डिवीजन में है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकेंड क्लास आर ग्रेड सी, बैचलर डिग्री फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टेटिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स BS जी। ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस जस्ट इसमें एज लिमिट जो है आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 20 to 28 ईयर्स है और जनरल 5 ईयर रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन ये सब में ही है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये 27 है और मेडिकल क्वेटा मेरिट 2, पंजाब 14, पंजाब में 14 है ओपन मेरिट पे जो के हैं जी। इसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है BS 16 जी, ये भी टम्परेरी बेस पे हैं और ये आप नेक्स्ट देख सकते हैं, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट असिस्टेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं जी, आपके पास कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर 16 स्केल में है और ये परमानेंट डिपार्टमेंट में है, परमानेंट है। नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर है इंजीनियर इंजीनियरिंग BS 18। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेडिकल ऑफिसर मेल 17,
जी नेक्स्ट आप ये इसमें इम्पोर्टेड, इसके अलावा अलाउंसेस भी दिए हुए हैं। एक तो आपकी 17 स्केल में पे मिलेगी और दूसरा 25% आपको प्लस सैलरी मिलेगी, स्पेशल बोनस स्पेशल पे मिलेगी, ये आप चेक कर सकते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रोलॉजिस्ट है, 17 स्केल की है, इसमें भी आप यानी कि अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट है 22 to 30 है। नेक्स्ट हमारे पास फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल आ जाती है जी, 16 स्केल में है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल आ जाता है, ये आप देख सकते हैं 16 स्केल में है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आ जाता है जी आपके पास 16 स्केल में, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल जी BA 17, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ये आपकी 17 स्केल की है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पे फीमेल जी। इसमें एज लिमिट आपकी 22 to 30 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 59 है, 59 वैकेंसीज, डोमिसाइल क्वेटा मेरठ 4 और पंजाब की 29 है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल जी, 17 स्केल है, परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है, और ये आपकी मास्टर डिग्री है, BEd आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं MA एजुकेशन है, MA EMP फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है बाय HEC। एज इसमें 22 to 30 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर एज जनरल एज रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 65 जी, डोमिसाइल क्वेटा मेरिट 5 और उसके बाद आपके पास पंजाब में 32 हैं जी, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी पोस्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल 17 में, परमानेंट डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैंट्स एंड ग्रीजन्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या है जी, सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, मास्टर डिग्री विद BEd आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जी, ये आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये केस नंबर आप नोट कर सकते हैं जी, हमारे पास है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT फीमेल, यहाँ पे 16 स्केल की है, परमानेंट पोस्ट है, और डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, कैंट्स एंड ग्रीजन्स एरिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, बैचलर डिग्री पे भी आपको मिल रही है, और आपको साथ BEd भी करना होगा जी, सब्जेक्ट विद BEd फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जी। इसमें नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, केस नंबर ये आप नोट कर सकते हैं, डायरेक्टर BS 19 जी, 19वें स्केल में ये पोस्ट है, परमानेंट है, और मैनेजमेंट सर्विसेज विंग की है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, मास्टर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस ACMA, 12 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट एनालिसिस फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जी पर्सनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च क्वालिफिकेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा और एंड रिपोर्ट राइटिंग जी, रिपोर्ट राइटिंग की भी इसमें आप देख सकते हैं। मिनिमम एज इसकी 14 ईयर्स, प्लस 5 ईयर एज जनरल एज रिलैक्सेशन है, बहुत बड़ी एज, यानी कि इन्होंने एज भी बहुत ज़्यादा दे दी है, 45 साल तक आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ये आप देख सकते हैं कि मेल या फीमेल दोनों एलिजिबल हैं जी। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं केस नंबर, ये आप नोट कर लें जी, असिस्टेंट डायरेक्टर है BS 17 जी, टेम्परेरी है, लाइकली टू कंटिन्यू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, एज लिमिट 22 to 30 ईयर्स, प्लस 5 ईयर
जनरल रिलैक्सेशन, अपर नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है जी, डोमिसाइल क्वेटा मेरिट 1 है, पंजाब 2 एंड सिंध अर्बन 1, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। नेक्स्ट यू कैन सी हियर, प्लीज नोट दिस जी, केस नंबर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस BS 19 प्लस 25 जी स्पेशल पे, परमानेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगत बल्तिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगत बल्तिस्तान मिनिस्ट्री, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेकंड क्लास आर ग्रेड सी, मास्टर डिग्री विद BEd ऑनर्स, BEd MEd आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एट लीस्ट जी, ये आप देख सकते हैं 3.5 साल का डिफरेंस है इयर्स जो कि एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे डिमांड किया है। एज लिमिट इनकी जी है जी 32 to 40 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे यू कैन सी हियर नंबर ऑफ वैकेंसी 16, डोमिसाइल क्वेटा गिलगित बल्तिस्तान, ओपन मैरिट 15 एंड मिनॉरिटीज नॉन मुस्लिम क्वेटा 1, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हेड मिनिस्ट्रेस हेड मिस्ट्रेस 19 प्लस 25 स्पेशल पे परमानेंट, ये आप देख सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, यू कैन सी है। हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मुकम्मल, यानी कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को व्यू करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे और क्लिक हेयर पे यहाँ पे आपको मैंने अभी दिखा दिया है, ये आप ये डेफिनेटली मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो रहा। अगर आप ओपन करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैंने वो IDM किया हुआ है तो डेफिनेटली वो डाउनलोड फाइल हो जाती है, फाइल डाउनलोड होने के बाद वो मुकम्मल प्रीव्यू हो जाती है और उसके बाद हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने IDM किया होगा तो आपका भी डेफिनेटली ये डाउनलोड होगा, और अगर नहीं किया होगा तो फिर आपका प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद है टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए आप ये वैकेंसीज के एंड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सा। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने शॉर्ट बताया है, इन शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट करके बताया है और जितना पॉसिबल हुआ मैंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये सिलेक्ट जॉब है, यहाँ पे आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी तमाम जॉब्स दी हुई हैं, ये आप केस नंबर के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CNC नंबर है, यहाँ पे आप CNC नंबर अपना दे सकते हैं। ये डॉट्स जो स्पेस दी हुई है ये बहुत अच्छी है, आप इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का जी। डेट ऑफ फी डिपॉजिट बैंक है, आपके फी डिपॉजिट बैंक यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें आपके सामने है, ये कैलेंडर आपके सामने दिया हुआ है, आप कैलेंडर के मुताबिक आप अपनी डेट सेट कर सकते हैं जी। यहाँ पे फी डिपॉजिट है, डिपॉजिट फी जो है ये याद रखिए प्लेस सेलेक्ट फी, यहाँ पे आपकी जो फी है ये 300 से 1500 तक है और आप इसमें अपने रेलिवेंट स्केल के मुताबिक वहाँ पे जहाँ पे ये अपना दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, दी एप्लीकेशन फी ऑफ पोस्ट BS 14 16 और 17 के लिए 300 रुपये है, और उसके बाद BS 18 के लिए 750, BS 19 के लिए 1200 और BS 20 एंड अबव के लिए 1500 हैं। तो मोस्टली मैक्सिमम जो है वो 300 ही यानी कि काउंट हुई है, ये कोई अहमियत नहीं रखता, आप अप्लाई करें और मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको यानी कि कामयाब करें। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे थे, ये आप देख सकते हैं बैंक नेम, बैंक नेम आप ये देख सकते हैं, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ट्रेजरी है, ये आप जो आपके करीब इन तीन में से आपको बैंक जो करीब पड़ता है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं जी। बैंक ब्रांच एंड कोड नंबर है, यहाँ पे ये कोड नंबर है, जैसे ही आप चलान डेफिनेटली यानी कि आप चलान पे करेंगे बैंक में तो वो जो चलान कोड या ब्रांच नंबर होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो उसके बाद आ गया जी आपका बैंक लोकेशन है, डिस्ट्रैक्ट जी आपने यहाँ पे जो बैंक आपके जो लोकेशन है वहाँ पर ये मैंशन करनी है, प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये इनमें से आप किसी पर भी
आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब का है तो डेफिनेटली आप पंजाब कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी एबटाबाद का है तो एबटाबाद यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, तो ये आप देख सकते हैं एबटाबाद आ जाएगा। जो भी आप यानी कि करना चाहें, ये बर्नर है तो आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे वो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये डोमिसाइल ओनली वैलिड चॉइसेस विल बी विजिबल, यहाँ पे याद रखिए ओनली वैलिड चॉइसेस। जैसा कि उन्होंने लास्ट में क्वेटा की डिमांड की थी, सिंध की डिमांड की थी, पंजाब की डिमांड की थी, जो जहाँ पे उन्होंने डोमिसाइल की डिमांड की है वो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। और जेंडर आपका है ये भी आप ये देख सकते हैं, ओनली वैलिड चॉइसेस विल बी विजिबल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद रिलीजन है, नेक्स्ट यू कैन सी है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा है। उसके बाद आपका टेस्ट सेंटर आप कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, लाहौर में रखना चाहते हैं, कराची में, सिंध में, क्वेटा में, जहाँ पे भी यानी कि करना चाहते हैं। इंटरव्यू सेंटर वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये आपको दिए हुए हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा। और इसी तरह ही आपका जो है अपना है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइज्ड, यहाँ पे आप सेलेक्ट जॉब लिख सकते हैं। और डू यू प्रोसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये याद रखिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। और ये यहाँ पे कह रहे हैं डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्या आप यानी कि आपने जो ऊपर क्वालिफिकेशन दी हुई है या जो जॉब सेलेक्ट की हुई है उसके मुताबिक आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली यस कर देना है कि वो हैं तो अप्लाई कर रहे हैं, वरना क्या करना था हमने जी। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ डिग्री दैट मेक्स यू एलिजिबल, यहाँ पे आप रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो होगी आपकी, वो जो डिग्री है आपकी उस को मेंशन करना है। यहाँ पे आप कैलेंडर पे सेलेक्ट करेंगे और इसके मुताबिक आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इंटर वेरिफिकेशन कोड होगा, ये वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आएगा, ये जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो ये प्रोसीड टू स्टेप आ जाएगा। तो ये टू स्टेप में जब आप क्लियर करेंगे तो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई साहब कि आप ये करें, ये मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट डाटा तो हमने फिल नहीं किया, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जहाँ पे हम कर देते हैं ये देखें ये आगे नहीं जाएगा, आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। ये कह रहा है कि ये डाटा पहले आप सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर हम आपको आगे जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए हैं, मैं आगे जाना चाह रहा था, लेकिन आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली यानी कि उसकी, तो आप वहाँ पे आप अपना डाटा पुट कर देंगे तो उसमें कोई मसला नहीं बनेगा, और फाइनल पे आप अपने प्रिंट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चलान कहाँ से जनाब आपने डाउनलोड करना है, तो चलान का भी चलिए देखते हैं कहाँ से हमें मिलता है जी। ये आप देख सकते हैं ये तीनों इकट्ठे ही हैं, टू डाउनलोड प्रिंट चलान फॉर्म क्लिक हेयर, ये सबसे पहले आपने चलान फॉर्म अपना प्रिंट करना है और उसको फिल करना है, बैंक में पे करना है, और उसके बाद आपने ऑनलाइन प्रोसेस पर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी दी हुई रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। याद रखिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी ये रही, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन इज़ मंडे 22 जून 2020 जी। आपका जो ये लास्ट डेट है ये 22 जून 2020 है, याद रखिए ये, आपने इस चीज़ को क्लियर करना है जी। चेंज ऑफ सेंटर, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अवेल फैकल्टी फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली थ्रू ऑनलाइन रिक्वेस्ट अप टू 13/8/2020। अगर आपने आज अप्लाई करना है डेफिनेटली आप करेंगे, तो अगर आपने अप्लाई करना है और आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आप 13 जून से पहले पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर लें, आप ऑनलाइन प्रोसेस के तहत आप उसको चेंज कर सकते हैं। 13 के बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे, आपको फिर वो जो आपकी रेलेवेंट सिलेक्शन होगी आपको वहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आपको लाइक बनता है और लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफज़ाई हो जाती है। और इसके अलावा इंशाल्लाह अपना ख्याल रखा करें,
और मेहनत किया करें, सब्र व तहम्मुल से काम लिया करें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अप्लाई करते हैं एक दो वैकेंसीज में, तो उसके बाद डिसाइड हो जाते हैं और अप्लाई करना नहीं मुनासिब समझते, तो अप्लाई किया करें। अल्लाह ताला की लाठी बेवाज़ है, और इसी तरह ही अल्लाह ताला की जब वो करम नवाजी होती है तो हमें नहीं पता होता कि वो कैसे हो जाती है, किस वक्त हो जाती है। तो हमारा काम जो है वो मेहनत करना है, और हमें मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।